हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स हु आर वाचिंग आवर चैनल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं भी होंगे। तो आपके लिए इस वीडियो में हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है डेटा फ्लो डायग्राम, यानी कि DFD। और बिना वक्त ज़ाया करे हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, DFD। ठीक है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि इस DFD की नीड क्या है। ठीक है, देखिए डेटा फ्लो डायग्राम ये है क्या चीज़। डेटा फ्लो डायग्राम, क्योंकि इसका आपका नाम जुड़ा हुआ है कि ये एक डायग्राम है। डायग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा पिक्चर जो क्या करे, कोई भी पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, पिक्चर रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, जैसे कोई फोटो है, उस फोटो को देख करके आपको कुछ नॉलेज होगी। जो भी आप फोटो देखते हैं, किसी भी चीज की पिक्चर आप देखते हैं तो उसकी आपको नॉलेज हो जाती है। तो उसी तरीके से जो डेटा फ्लो डायग्राम है ये भी एक पिक्चर है, और इस पिक्चर में, हाँ, ये फोटो की तरह नहीं है, इट इज नॉट अ फोटो, ये फोटो नहीं है। डायग्राम एक मैपिंग टेक्निक है, इट इज अ, ये जो DFD है, DFD इज अ मैपिंग टेक्निक, यू कैन से। ठीक है, बहुत सिंपल से वर्ड्स में हम आपको बताएंगे, ये मैपिंग टेक्निक है। और जब भी हम मैपिंग टेक्निक की बात करते हैं तो मैपिंग क्या होता है, किसी भी, जैसे आप लोगों के पास, सबके पास घर होंगे। ठीक है, कोई किराए के घर में रह रहा होगा, कोई अपने घर में रह रहा होगा, तो उन घरों को बनाया गया होगा। कोई शॉपिंग मॉल होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, उनको बनाया गया होगा। तो उनको बनाने से पहले सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैप की। मैप क्या है, मैप एक डायग्राम है। ठीक है, मैप एक डायग्राम है। जिस तरीके से हम बिल्डिंग बनाने से पहले मैप का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, जब हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए हमें जिस डायग्राम की जरूरत पड़ती है, दैट डायग्राम इज DFD। ठीक है, इनके हम आपको स्लाइड्स भी दे देंगे, नोट्स दे देंगे, उसमें आप सब नोट कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट इसका। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है कि DFD किस लिए यूज होती है, और ये DFD यहाँ पर इसका रोल क्या है, और हम इसे क्यों पढ़ें। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आइए यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि DFD की व्हाट इज द नीड ऑफ DFD। सबसे पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि DFD ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, DFD रिप्रेजेंट ओवरव्यू। देखिए, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्लाइंट के लिए। ठीक है, क्लाइंट आपका कौन है, क्लाइंट आपका हो सकता है बैंक, हो सकता है क्लाइंट मतलब बैंक के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आप सॉफ्टवेयर स्कूल के लिए बना रहे हैं, या आप सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं, या आप सॉफ्टवेयर शॉपिंग मॉल के लिए बनवा रहे हैं, किसी के लिए भी, क्लाइंट किसी चीज के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकता है, या कोई भी अदर, कोई भी नीड हो सकती है। ठीक है, कि जो क्लाइंट है वो क्लाइंट किसी भी चीज से बिलोंग हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर आपका ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर को आप सबसे पहले क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग के लिए, कि सॉफ्टवेयर में कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसका वर्क क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर का वर्क होगा, सॉफ्टवेयर टेक सम इनपुट एंड प्रोसेस ऑन इट एंड जनरेट सम आउटपुट। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसका काम क्या होगा, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आपका एडमिट कार्ड आपको निकालना है, तो एडमिट कार्ड के लिए आप एनरोलमेंट नंबर देंगे,
वो आपका एडमिट कार्ड सर्च करेगा। यानी कि अगर हम कहें कि प्रिंट एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड का, जैसे आपको एडमिट कार्ड प्रिंट कराना है, तो एडमिट कार्ड प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आप क्या देंगे, आप देंगे कोई भी आईडी नंबर या इनरोलमेंट नंबर, है ना। और फिर वो इनरोलमेंट नंबर क्या होगा, इनरोलमेंट नंबर को सर्च किया जाएगा, और सर्च करने के बाद आपका एडमिट कार्ड क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमें ये बताइए कि इनपुट कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है, और आउटपुट कौन सा है। जाहिर सी बात है कि ये हमारा जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड नंबर यानी कि आईडी नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और सर्च क्या हो जाएगा, जब सर्चिंग होगी तो सर्चिंग क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। और एडमिट कार्ड हमारा प्रिंट आउट निकल आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा। और किसी भी सॉफ्टवेयर में ये समझ लीजिए कि इनपुट्स कितने हो सकते हैं, कितने इनपुट्स हो सकते हैं, बता सकते हैं, एक इनपुट, दो इनपुट, या तीन इनपुट, या एन इनपुट्स हो सकते हैं। तो आंसर इसका है एन इनपुट्स हो सकते हैं। और आउटपुट कितने हो सकते हैं बताइए, आउटपुट कितने होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या एन, एन आउटपुट्स हो सकते हैं। और आउटपुट को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी होंगी, ये भी एन होंगी। क्लियर है। अब आप ये समझ गए कि किसी भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर में तीन चीजें होंगी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसी पे ये काम करेगा। ठीक है, अब आइए आप डेटा फ्लो डायग्राम पर। अब ये जो DFD है, ये इनपुट शो करता है, ये डायग्राम क्या शो करेगा, इनपुट शो करेगा, प्रोसेस शो करेगा और आउटपुट शो करेगा। चूंकि DFD क्या है, DFD एक डायग्रामिंग टेक्निक है, इट इज अ डायग्राम, ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम में जो कि किसकी तरह काम करता है, एक मैप की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए कि एज्यूम आपका ये घर है, इस तरह की तो आपने पिक्चर कई बार बचपन में बनाई होगी, है ना। तो ये मान लीजिए कि आपका घर है, ये सड़क। अब इस घर के अंदर, घर के अंदर जाने के लिए कोई एक दरवाजा होगा या दो दरवाजे होंगे। तो उस दरवाजे को, जहां से हम जाएंगे इस घर में, वो एंट्री पॉइंट होगा। दैट मीन्स हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर में जहां से हम एंट्री करते हैं, वहां से सॉफ्टवेयर हमारा जो रन करता है, तो वो इनपुट की वजह से रन करता है। अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। यानी कि घर के अंदर जाना है। अब घर के अंदर जाकर के हम करते क्या है, हम वहां पर कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई हम जाकर के वहां वर्क करते हैं। अब हमारा सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में उस वर्क को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें कहीं इस घर से कोई काम के सिलसिले में हमें बाहर भी जाना पड़ सकता है, आउट, यानी कि हम एग्जिट भी कर सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर में उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट। तो घर के, हमने आपको रेफरेंस में भी बता दिया कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। ठीक है, तो आप अगर अपना घर बनवाएंगे, तो घर बनवाने के लिए आप जिस मैप को यूज करेंगे, उस मैप में क्या होगा कि घर में एंट्री कहाँ से होगी, घर का, घर में कौन से कमरे में, किस कमरे में, या घर का कौन सा पोर्शन किस वर्क के लिए यूज होगा, और घर से हम बाहर कैसे निकलेंगे, एग्जिट कैसे होंगे। तो घर में एंट्री का मतलब, अब हम अगर घर को सॉफ्टवेयर मान लें, तो सॉफ्टवेयर में एंट्री करने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में इनपुट कैसे होगा और सॉफ्टवेयर में आउटपुट कैसे होगा, सॉरी यहाँ पर आउटपुट नहीं होगा, ये आउटपुट यहाँ पर होगा, एग्जिट। और वर्क का मतलब है प्रोसेस। ठीक है, तो अब आप इतनी चीज समझ गए कि सॉफ्टवेयर में तीन वर्क होंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है,
और इन इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जिनको ये डेटा फ्लो डायग्राम डिपेक्ट करता है। तो डेटा फ्लो डायग्राम जो डीएफडी है हमारा, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, ये इस डायग्राम से हम एक ओवरव्यू, देखिए जिस तरीके से घर का जो मैप है उससे हमें ओवरव्यू पता चल सकता है कि किधर से घर में एंट्री करना है और किधर से हमें आउट करना है, यानी कि किधर से हमको बाहर निकलना है। तो घर के अंदर और बाहर जाना, घर के किस कमरे को कहाँ सोना है, कहाँ पे सोने का काम करना है, कहाँ पे बैठने का काम करना है, कहाँ पे खाना बनाना है, कहाँ पे खाने खाने का काम करना है, कहाँ पे कपड़े धोना है, कहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, हर काम के लिए जगह हम सेट कर देते हैं और उसी हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में कौन सा ऑप्शन किस लिए है, कौन सा ऑप्शन क्या काम करेगा, ये सब हमको पहले से सेट करना पड़ेगा। हाँ, जिस तरीके से मैप पे हमें डिटेल नहीं समझ में आती है, अब दरवाजा तो बना दिया, वहां पे मैप में ये नहीं लिखा रहेगा दरवाजा शीशम का होगा, नीम की लकड़ी का होगा, या सागवन की लकड़ी का होगा, या बबूल की लकड़ी का होगा, ये नहीं बताया जाता है मैप में कि जो दीवार बनेगी उसमें ईटा किस तरह का लगेगा, ब्रिक्स किस तरह की लगेंगी, मसाला किस तरह का लगेगा, प्लास्टर कैसे होगा, सीमेंट कौन सा यूज होगा, ये नहीं बताया जाता है। ये जरूर बताया जाता है कि कहाँ से बाहर निकला जाता है, और ये बता दिया जाएगा कि यहाँ पे गैरेज होगा, लेकिन गैरेज में ये नहीं बताया जाता है कि गैरेज किससे बनेगा और यहाँ कौन सी गाड़ी और कौन से कंपनी की गाड़ी, यानी कि आप, हम ये कहना चाह रहे हैं कि डीएफडी नेवर, डीएफडी नेवर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑपरेशंस, डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कराएगा। जैसे हमने कहा कि इनपुट होगा, इनरोलमेंट नंबर इनपुट होगा, तो इनरोलमेंट नंबर कितने डिजिट का होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये डिटेल डीएफडी प्रोवाइड नहीं कराएगा। हमने कहा सैलरी को कैलकुलेट करेगा, यानी कि प्रोसेस का हमने नाम बता दिया कि सैलरी कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन सैलरी को वो ये नहीं बताएगा कि कैलकुलेशन में, यानी कि जो कैलकुलेशन हो रहा है वो उस कैलकुलेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और वो कैसे काम कर रहा है, इसकी डिटेल डीएफडी नहीं देगा। यानी कि ये डीएफडी क्या है, डीएफडी नेवर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन, वो किसी भी ऑपरेशन का डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि डीएफडी में क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं, यानी कि सिंबल्स किस चीज में, डीएफडी में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। डीएफडी में आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल, सर्कल, और हम लोग एरो ऐसे ही बना लेंगे, एरो इसमें बहुत अच्छा नहीं है, और एरो एंड ओपन एंडेड बॉक्स भी ऐसे ही बना लेते हैं, ये ओपन एंडेड बॉक्स है, ठीक है, और एक बॉक्स ऐसा बना लेते हैं, ये इस तरह का एक बॉक्स बना लीजिए, ये भी यूज होता है डेटा फ्लो डायग्राम बनाने में, ठीक है। ये अब ये हमारा ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये क्यों यूज होता है, दिस स्क्वायर एंड दिस रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है, ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। और ये जो सर्किल है, ये सर्किल किस लिए होता है, इट इज यूज टू डिनोट द प्रोसेस, ये क्या डिनोट करता है, प्रोसेस डिनोट करता है। और ये भी, ये वाला जो बॉक्स है, जो रेक्टेंगल है, जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड कॉर्नर्स हैं, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल विद अ लाइन, ये किस लिए यूज होता है, ये भी प्रोसेस को डिनोट करता है। और ये हमारा है एरो, एरो किस लिए यूज होता है, फ्लो, ये डेटा का फ्लो बताता है कि आप इनपुट देंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, किस प्रोसेस में जाएगा और वो कहाँ पर आउटपुट निकलेगा, ये बताता है, फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है।
जिस तरीके से इंडिकेटर्स लगे रहते हैं ना, राइट लेफ्ट एरो बना रहता है, इधर राइट मुड़ जाइए, राइट में ये मार्केट है, लेफ्ट में रेलवे स्टेशन है, सीधे बस स्टेशन है, तो एरो से हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं। तो एरो में फ्लो बताता है कि अब आपको किधर जाना है, तो डेटा को किधर जाना है ये एरो बताएगा, ठीक है, हमारे डीएफडी में। और ये हमारा जो यूज होता है ओपन एंडेड बॉक्स, ये यूज होता है डेटाबेस के लिए, ठीक है। अब डीएफडी में, डीएफडी को बनाने के लिए बहुत सिंपल से कुछ एक बना करके देखते हैं। डीएफडी पहले हम बनाते हैं, फिर आप समझिएगा इसको कि ये क्या है। हमने बताया कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक सिंपल सा, ये अभी हमारी सिंपल एक डीएफडी हमने ऐसे ही बना दी है, ठीक है। किसी भी, और एरो से इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। किसी भी डीएफडी में ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है और ये प्रोसेस है, ठीक है। अब यहां पर ये जो हमारी डीएफडी बन गई, ये एक डेटा फ्लो डायग्राम बन गया, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी, या इसको हम कहते हैं जीरो लेवल डेटा फ्लो डायग्राम, इसको हम जीरो लेवल डेटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो डिनोट कर रहा है ये पार्ट, दिस, ये हमारा इनपुट एंटिटी है। इनपुट एंटिटी का मतलब हो गया कि ये, जैसे मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर है, एज्यूम यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर एक स्टाफ जो है वो स्टूडेंट की एंट्री कर रहा है, तो यहां पर जो स्टाफ होगा जो इनपुट प्रोवाइड करेगा वो हमारा इनपुट हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पे लिखा है आउटपुट, आउटपुट में क्या आएगा, जैसे आपने एडमिट कार्ड मांगा था तो यहां पर हो सकता है एडमिट कार्ड आ जाए। अगर इसके अंदर लिखा है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड लिखा, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, एडमिट कार्ड आया। किस चीज के लिए, हो सकता है यहाँ जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस में, यहाँ पर प्रोसेस किस चीज की हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे कोई डिटेल सर्च हो रही हो, या हो सकता है कोई नया रिकॉर्ड यहाँ पर फीड करा जा रहा हो सकता है कुछ पुराने डेटास को डिलीट किया जा रहा हो सकता है, मतलब मेनी टास्क, कोई भी प्रोसेसेस यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो ये जो आपके सामने बना ये जीरो लेवल डीएफडी था। किसी भी डीएफडी को बनाने के लिए हमारे पास में, जैसे मान लीजिए हमको एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है या यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो देखिए डीएफडी को बनाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का आप नाम लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर ना, उसके लिए डीएफडी बनानी है, तो आपने पहले लिख लिया यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। पूरा सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोसेस होंगी वो प्रोसेस कहां पर होंगी, इसी में होंगी ना, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर में, तो इसको हम दिखाएंगे किसमें, सर्कल में, यानी कि सारी प्रोसेस। सर्कल डिनोट व्हाट, आपने अभी पढ़ा है कि सर्कल क्या डिनोट करता है, सर्कल प्रोसेस डिनोट करता है, ठीक है। और इसमें जो भी इस सॉफ्टवेयर को रन कराएंगे, रन कौन कराएगा, या तो इसमें जो इनपुट देंगे वो स्टाफ देंगे, तो हमारा स्टाफ इनपुट देगा, तो हमने रेक्टेंगल बॉक्स यूज कर लिया या स्क्वायर बॉक्स यूज कर लिया, या स्टूडेंट अपना रोल नंबर देगा वो इसमें ये इनपुट देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। अब आउटपुट में अगर कोई आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या निकलना है तो आप यहाँ पे वही चीज लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए आपने आउटपुट में एक आउटपुट लिख दिया आपने रिजल्ट, हमने कहा ना एन आउटपुट हो सकते हैं, और एडमिट कार्ड और आपकी फी रिसीव्ड, तो एन नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे सब में क्या लगा देंगे, रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स। तो ये हमारी जीरो लेवल डीएफडी है, जिसमें जीरो लेवल डीएफडी में एक प्रोसेस होगा, ठीक है। ये हमारी जीरो लेवल डीएफडी है, इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, जितने नंबर ऑफ सर्किल होंगे उतने ही नंबर ऑफ
प्रोसेसेस होंगे। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये हमारी जीरो लेवल डीएफडी है। ठीक है, सबसे पहले आपको जीरो लेवल डीएफडी बनाना सीखिए। आपके जीरो लेवल डीएफडी क्या होती है, उसमें एक प्रोसेस होगा। हाँ, इनपुट्स कई हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितने इनपुट है, टू इनपुट्स हैं। आउटपुट कितने हैं, देखिए यहाँ पे एक आउटपुट, दो और ये तीन, तीन आउटपुट है, थ्री आउटपुट्स आर देयर। ठीक है, टू इनपुट्स थ्री आउटपुट्स, नंबर ऑफ प्रोसेस इज वन। और एक प्रोसेस जिस भी डीएफडी में होगा, सिंगल प्रोसेस की अगर डीएफडी है, और वो पूरा, अब देखिए पूरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसमें स्टाफ से इनपुट होगा, स्टूडेंट इनपुट देगा, और रिजल्ट्स रिसीप्ट, और हमारा रिजल्ट है, रिसीप्ट है, और एडमिट कार्ड, ये हमारे आउटपुट्स निकलेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट लेवल, वो जीरो लेवल डीएफडी। अब इसी डीएफडी को जब हम जो भी प्रोसेसेस हैं उसको हम पार्ट करते चले जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को पार्ट करेंगे। पार्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कहा कि जैसे अब हमें एडमिट कार्ड जनरेट करना है, तो एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए देखिए एक चीज और भी बता दें, किसी भी सिस्टम की जीरो लेवल डीएफडी में आप एक एक इनपुट बॉक्स रख लीजिएगा, एक इनपुट बॉक्स आप रख लीजिएगा, एक आप प्रोसेस यानी कि एक सर्किल, और एक आप आउटपुट बॉक्स रख लीजिएगा, बस इतना रख लीजिएगा आप। अब किसी भी डायग्राम, जैसे मान लीजिए आपने एयरलाइंस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, तो यहां पर बस उसका नाम लिख दीजिए आप, एयरलाइंस मैनेजमेंट सिस्टम, बस ये लिख दिया। यहां पर आपने दे दिया स्टाफ, और यहां पर आपने दे दिया हमारा रिपोर्ट, और यहां पर आपने बीच में एरो दे दिया। ठीक है, अब ये एरो आप एक ही इनपुट से कई सारे आप एरोस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो सकता है कि ये, और यहां पर आप लिख दीजिए ऊपर हर एरो के ऊपर, एरो डिनोट द डेटा फ्लो। यहाँ पर टिकट की इंफॉर्मेशन जा रही है, यहाँ पर आपका मान लीजिए जो फेयर है, फेयर की इंफॉर्मेशन जा रही है, यहाँ पर आपकी कोई अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट ये आप कह दीजिए कि भाई ये रिपोर्ट वन निकल रही है, यहाँ पर आप रिपोर्ट टू, इसी तरीके से रिपोर्ट एन, एन रिपोर्ट्स निकल सकते हैं। ये इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस एक ही है, इसलिए ये हमारी जीरो लेवल डीएफडी होगी। ठीक है, जीरो लेवल डीएफडी किसी भी डायग्राम, किसी भी चीज का, आप कोई भी चीज को, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर सोचिए आप जहन में अपने, उसका आप जीरो लेवल डीएफडी बहुत इजीली बना सकते हैं। आपको करना क्या है, फिर से हमने एक बार आप फिर से देख लीजिए, उसमें एक इनपुट बॉक्स होगा, एक आप उसमें सर्किल ले लीजिए, इनपुट बॉक्स आप दो तीन भी लगा सकते हैं, ठीक है, और आउटपुट बॉक्स भी आप दो तीन लगा, लेकिन सर्किल आपका जो वो एक होगा, तभी आपकी जीरो लेवल डीएफडी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब आप इसमें जैसे मान लीजिए कि अब यहां से ये है आपका कुछ भी एनीथिंग, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं से बिग बाजार के लिए डीएफडी बना रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बिग बाजार, सॉफ्टवेयर का नाम बस लिख दीजिए, इसके अंदर सारी प्रोसेस तो यहीं पर होंगी, बिग बाजार है। अब बिग बाजार में यहां पर आपको जो लिखना है, यहां पर आप लिख सकते हैं कस्टमर, आप कस्टमर लिख दीजिए कि कस्टमर से इनपुट मिल रहा है, और आपको कुछ समझ में आ रहा है कि और कौन कौन इनपुट दे सकता है, तो आप यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, और इनपुट्स लिख दीजिए यहां पर, आप मान लीजिए से यहां पर हमने लिख दिया स्टाफ, मतलब कस्टमर से इनपुट जा रहा है और स्टाफ से इनपुट जा रहा है, और यहां पर आपने लिख दिया रिपोर्ट। ठीक है, और यहां पर आपने इसको एरो दे दिया, एक एरो यहां पर दे दिया, और एक एरो यहां पर दे दिया, और एक एरो। ठीक है, ये बन गई आपकी जीरो लेवल डीएफडी। अब हर डीएफडी में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी डीएफडी हो उसमें आप एक ओपन एंडेड बॉक्स लगाएंगे, और वहां पर उसके अंदर लिख देंगे आप डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस। ठीक है, देखिए डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप कंप्यूटर के, हम आपको मान के चल रहे हैं कि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं और आपको डेटाबेस पता है कि क्या होता है।
डेटाबेस वो रिकॉर्ड्स हैं जहां पर डेटा स्टोरेज है, जहां पर रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे। जैसे स्टूडेंट की, जैसे मान लीजिए कस्टमर की डिटेल सर्च करना है तो कहां से सर्च करेंगे? कस्टमर की डिटेल सर्च कहां से करेंगे? कस्टमर की डिटेल सर्च करेंगे डेटाबेस से। कस्टमर का मान लीजिए 1000 रिकॉर्ड्स यहां पर स्टोर्ड हैं। अब 200 रिकॉर्ड्स और आ गए तो 200 रिकॉर्ड्स को ऐड कर देंगे तो अब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो गए? 1200। यानी कि रिकॉर्ड को या स्टोर कहाँ पे करेंगे? डेटाबेस में। कुछ पुराने रिकॉर्ड को डिलीट करना था तो रिकॉर्ड डिलीट कहाँ से करेंगे? डेटाबेस से। तो हमेशा डेटाबेस किसी भी प्रोसेस से एक डेटाबेस यानी कि ओपन एंडेड बॉक्स को आप जोड़े रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप जो है एक जीरो लेवल डीएफडी इस तरीके से आपकी बन जाएगी। अब इसके कुछ रूल्स हैं, डेटाबेस डेटा फ्लो डायग्राम के कुछ रूल्स हैं, रूल्स को हम देख लेते हैं। यहां पर आप एक चीज और देख लीजिए कि कभी भी प्रोसेस से जो भी एरो डेटाबेस की तरफ जा रहा है कि लिखेंगे क्या यहां पर, इसके ऊपर एरो के ऊपर हर ईच एंड एवरी एरो मस्ट बियर अ नेम, एक नेम होना चाहिए कि मतलब पता चल जाए क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो यहां पर आपका जो डेटाबेस एरो प्रोसेस टू डेटाबेस जो भी रहेगा तो यहां पर आपको लिखना है अपडेट ऑलवेज, और डेटाबेस टू प्रोसेस जो भी जाएगा तो इस एरो के ऊपर आप लिखेंगे क्या? एक्सेस। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब रूल्स देख लेते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम को बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं। रूल्स सब हम आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाएंगे, रूल सब आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक इनपुट बॉक्स है, आई लिख दिया या आईपी लिख देते हैं, चलिए इनपुट बॉक्स है। इनपुट बॉक्स से कभी भी आउटपुट बॉक्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। किसी भी इनपुट बॉक्स से डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। कोई भी इनपुट बॉक्स क्या नहीं होगा? ब्लैंक नहीं होगा, मतलब खाली इनपुट बॉक्स तो लगा दिया लेकिन कुछ अंदर लिखा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इनपुट के साथ भी होगा और आउटपुट बॉक्स के साथ भी होगा, यानी कि इनपुट आउटपुट बॉक्स नेवर बी ब्लैंक, नेवर हैव एनी नल वैल्यू, इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। और हमेशा जैसे मान लीजिए आपने लिखा स्टूडेंट, किसी भी इनपुट या आउटपुट पुट में इनपुट या आउटपुट बॉक्स में जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। या यहां पर आप अपर केस लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक इनपुट बॉक्स है, इसमें आपने सब ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या है? ये इनपुट या आउटपुट बॉक्स है, इसमें आपने कैपिटल में अगर सब लिख दिया है तो ये सही है, या आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल तो ये सही है। ये रूल्स हैं डीएफडी के। और इसके क्या रूल्स हैं? और इसके रूल ये हैं, सर्किल है और इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ठीक है। हमेशा सर्किल और इनपुट आउटपुट बॉक्स से ये मतलब ये पॉसिबल है, ये होना चाहिए। इनपुट आउटपुट बॉक्स से एरो जाएगा सर्किल तक यानी कि प्रोसेस तक, प्रोसेस से इनपुट आउटपुट बॉक्स में सर्किल जाएगा, यानी कि ये आपका एक मान लीजिए कि इनपुट बॉक्स है। किसी भी बॉक्स को पहचाने कैसे कि वो इनपुट बॉक्स है? आप देखेंगे कभी भी किसी भी सर्किल पे जो एरो आ रहा है इस तरह से जब भी हो तो यहां पर ये वाला बॉक्स इनपुट बॉक्स है। और अगर ऐसा है, देखिए इस चीज को समझिएगा, तो ये हमारा आउटपुट बॉक्स है, ये क्या है? प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ठीक है।
यानी कि जब भी एरो हमारा इधर हो, टेल टेल देखिए, एरो की जो टेल है वो रेक्टेंगल पर है और हेड जो एरो का है वो सर्किल पर है, तो हमारा ये वाला जो बॉक्स होगा वो कौन सा होगा? इनपुट बॉक्स होगा। और अगर एरो का हेड बॉक्स से टकरा रहा है और टेल सर्किल से टकरा रही है, तो हमारा ये जो बॉक्स है ये कौन सा होगा? आउटपुट बॉक्स होगा। और सर्किल तो पी ही होगा, ये तो एक ही होता है, क्योंकि ये हमारा इनपुट बॉक्स भी हो सकता है और आउटपुट बॉक्स भी हो सकता है। इसलिए कौन सा इनपुट बॉक्स है और कौन सा आउटपुट बॉक्स है, ये पहचानने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा एरो किधर से किधर जा रहा है। यानी कि अगर हम आपसे ये पूछें कि अब आप हमको ये बताइए कि ये इनपुट बॉक्स है कि आउटपुट बॉक्स है, तो आप क्या कहेंगे? देख करके, इनपुट बॉक्स है। और अगर हम आपसे ये कहें कि ये इनपुट बॉक्स है या आउटपुट बॉक्स है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा क्या है? आउटपुट बॉक्स है। और इसको तो आप जानते ही हैं कि ये क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से हम डेटा फ्लो डायग्राम के ये रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या होना चाहिए? जो एरो होगा, एरो के ऊपर, जैसे कहीं का भी एरो होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन नेम होना चाहिए। इंफॉर्मेशन नेम होना चाहिए मतलब एरो मस्ट बियर अ नेम। दैट मीन्स, जैसे मान लीजिए कि एक एडमिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए एक रिक्वेस्ट गया है, और वो रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स स्टूडेंट की तरफ से जा रहा है कि उसको एडमिट कार्ड देना है, तो एडमिट कार्ड का प्रोसेस होगा, एडमिट कार्ड। तो यहां पे किस चीज के लिए, ये एरो पे क्या होगा बताइए? एडमिट कार्ड के लिए, तो यहां पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर एडमिट कार्ड, ये लिखेंगे। एरो मस्ट बियर अ नेम, एरो पे एक नेम जरूरी है। अच्छा, यहां से अब बताइए हमको कि यहां पर ये आउटपुट बॉक्स है, यानी रिपोर्ट है, यहाँ पे एडमिट कार्ड प्रिंट हो रहा होगा, तो यहाँ एरो पे क्या जाएगा? एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड की प्रोसेसिंग हो जाएगी तो क्या इंफॉर्मेशन बाहर आएगी? एडमिट कार्ड ही तो आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बस आपको सिर्फ लिख देना है यहाँ पर, एडमिट कार्ड इंफॉर्मेशन, बस इतना लिख देना है। देखिए, इसको फिर से समझिए, एक चीज और समझ लीजिए, इसमें एक बार और हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एरो के ऊपर नेम होना जरूरी है, नेम ऑफ डेटा फ्लो, कि कौन सा डेटा यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए कौन सा डेटा यहां पर फ्लो हो रहा है। तो अब यहां पर एक चीज देखिए कि नेम ऑफ डेटा फ्लो, तो एरो, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने एज्यूम कस्टमर है, कस्टमर को बिल चाहिए, तो अब बताइए प्रोसेस किस चीज का होगा? प्रोसेस होगा बिल जनरेट करने का, ठीक है। और ये कहीं भी लगा दीजिए आप, आउटपुट यहां लगा दी, कोई इधर जगह नहीं है तो इधर लगा दी नीचे। अब आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट बिल आएगा ना। अब बताइए यहां पे क्या इंफॉर्मेशन होगी? इस जगह पर, इस जगह पे इंफॉर्मेशन होगी, क्या लिखेंगे यहां पर? सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर बिल। और यहां पर क्या इंफॉर्मेशन होगी? यहां पे सिर्फ हम लिख देंगे बिल इन, बिल इंफॉर्मेशन, बस इतना लिख देंगे। ये हमारी डीएफडी कंप्लीट हो गई, क्लियर है क्या? तो अब यहां पर एक चीज ये समझ में आ गई कि एरो के ऊपर नेम होगा, एरो मस्ट बियर अ नेम, उसमें नेम होना जरूरी है। ब्लैंक एरो नहीं रखेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ब्लैंक एरो भी रख सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर आप एरो के ऊपर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कोई, तो इसमें दिक्कत क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक रोड है, अब रोड के आगे यहां पर एरो बना हुआ है और कुछ नहीं लिखा है, और एक में एरो बना हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है शॉप, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है पूरा क्लोथ शॉप, तो आपको ये समझ में आ गया कि इधर जो राइट वे जो जा रहा है ये
यहाँ पे क्लोथ की शॉप है, लेकिन इस ब्लैंक एरो पे नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, जब आप राइट मुड़ेंगे तो क्लोथ शॉप दिख जाएगी। या आपको यहाँ पर मान लीजिए इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है एडमिशन काउंटर, और एक एरो है जहाँ पे कुछ नहीं लिखा लेकिन एरो बना हुआ है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक होना, एरो होना गलत नहीं है, लेकिन ब्लैंक एरो से हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। सही इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। हो सकता है हम समझें कि इधर एग्जामिनेशन काउंटर है और एडमिशन काउंटर इधर नहीं है, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर एरो के ऊपर साफ साफ इंफॉर्मेशन अगर हम लिख देते हैं कि ये एरो क्या डिनोट कर रहा है कि एडमिशन काउंटर इधर है, इसलिए DFD में जब भी हम एरो बनाएंगे तो एरो के ऊपर नाम इसीलिए लिखेंगे कि हमें ये समझ में आ जाए कि ये क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया रिजल्ट, आप सिर्फ इतना ही लिखिए रिजल्ट, समझ में आ जाएगा कि ये रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। आपने एरो बनाया और एरो के ऊपर आपने लिख दिया इनरोलमेंट नंबर, समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो डेटा फ्लो रहा है वो कौन सा डेटा, किस डेटा का फ्लो रहा है, इनरोलमेंट नंबर का। मान लीजिए यहाँ हमने एक एरो बनाया और यहाँ पर हमने लिख दिया बिल, तो ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। अगर हमने यहाँ पर ये लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मार्कशीट, इसका मतलब यहाँ जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो मार्कशीट से रिलेटेड है। लेकिन अगर ब्लैंक एरो है, अब बताइए यहाँ क्या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, नहीं पता, तो हम इंटरप्रेट करेंगे, मतलब अपने से एज्यूम कर लेंगे, विल एज्यूम के इट कुड बी रिजल्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इट कुड बी द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू इनरोलमेंट और बिल और मार्कशीट और इट कुड बी एनीथिंग। तो ब्लैंक एरो से हम सिर्फ क्या करेंगे, एज्यूम करें, एजम्पशंस, वी मेक एजम्पशन एंड अवर एजम्पशन मे बी रॉन्ग और राइट। बट अगर हम एरो पे इंफॉर्मेशन लिख ही देते हैं तो हमारा जो एजम्पशन है वो एजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये एरो किस तरह की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। अब ये एरो क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, बस दैट्स इट, खत्म हो गया। कि एरो के ऊपर अगर ना, अगर सर्किल है तो सर्किल भी ब्लैंक नहीं होगा, सर्किल के अंदर सर्किल मस्ट बियर अ नेम, और ये नेम में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ये भी एक रूल है DFD का, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। कभी भी प्रोसेस ऐसा नहीं बनेगा, प्रोसेस को हम देखिए इसमें भी कुछ चीजें, ये पूरा डिटेल DFD की ये वीडियो है, आपको इस वीडियो के बाद फिर कहीं और कुछ पढ़ना नहीं है DFD के बारे में, थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन आप इसको पूरा फुल वीडियो आप पूरी देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि किसी भी प्रोसेस को ब्लैंक हम नहीं छोड़ेंगे, सर्किल को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ये ब्लैंक है, एक सर्किल हमने कहा ब्लैंक है और एक सर्किल में यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी और ये ब्लैंक है। अब ब्लैंक से क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रोसेस है, तो आपकी DFD में कोई भी सर्किल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सब सर्किल पर प्रोसेस का नाम लिखा होना चाहिए। सर्किल के अंदर जो भी नाम लिखा होगा हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर उससे रिलेटेड काम होगा। अब यहाँ सैलरी लिखा है तो समझ जाएंगे या तो सैलरी कैलकुलेशन होगा, या तो सैलरी स्लिप प्रिंट होगी, या सैलरी कैलकुलेट होगी, या सैलरी इंक्रीज करने के लिए कैलकुलेशन होगा, या बोनस को सैलरी में ऐड करने का कैलकुलेशन होगा, कोई भी तरह का यहाँ पर कैलकुलेशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सैलरी कैलकुलेशन, बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग एक DFD ऐसे ही बनाते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने एडमिशन से ही रिलेटेड, स्कूल से या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बनाना है डेटा फ्लो डायग्राम, तो हमने कहा हमारे सॉफ्टवेयर का जो नाम होगा वही हमारा वो फर्स्ट लेवल यानी कि जीरो लेवल DFD में वही हम नाम यहाँ पर रख देंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम नाम रख देते हैं, ये सर्किल है, यहाँ पर हमने लिख दिया इसके अंदर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, कभी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा, नेवर यूज शॉर्ट फॉर्म इन DFD, ठीक है। और आप जो है यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बना लीजिए और एक आउटपुट बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर हम लिख देते हैं, सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया रिपोर्ट। अब जो एरो है वो आपको बताएगा कि कितने तरह के इनपुट्स यहाँ पे, क्या क्या इनपुट्स जा सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट किस चीज के लिए
इनपुट दे सकता है एडमिट कार्ड के लिए और अपनी मार्कशीट के लिए और अपनी फीस के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो यहां पर हम एरो के ऊपर लिख देंगे, यहां पर हम लिख दें एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जा रही है यहां से एडमिट कार्ड के लिए, यहां पे जा रही है मार्कशीट के लिए, ये एरो जा रहा है फीस के लिए। यानी कि एक रिक्वेस्ट फीस की हो सकती है, एक एडमिट कार्ड के लिए हो सकती है, एक मार्कशीट के लिए हो सकती है, या ये एग्जाम सेंटर जानने के लिए हो सकती है, सिलेबस चेंज कराने के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट हम सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर में हमारा आउटपुट जाएगा। अब आउटपुट देखिए क्या जाएगा, आउटपुट में भी एन नंबर ऑफ आउटपुट आप दे सकते हैं। यहाँ आप आउटपुट के अलग अलग बॉक्स भी बना सकते हैं, हम लोग अलग अलग बॉक्स भी बना सकते हैं। देखिए जीरो लेवल डीएफडी में प्रोसेस एक होगा, लेकिन आप बॉक्स जो है वो एन नंबर ऑफ इनपुट और एन नंबर ऑफ आउटपुट बॉक्स को बना सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे अब जो भी आपको मिल रहा है रिपोर्ट आ रही है, अब रिपोर्ट किस किस चीज की आ रही है रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने लिख दिया एडमिट कार्ड, ठीक है, तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड यहां पे प्रोसेस हो रहा है, इस सॉफ्टवेयर में यहां पे प्रोसेस हो रहा है, और उस प्रोसेस का आउटपुट क्या है, एडमिट कार्ड निकल करके आ रहा है, मार्कशीट निकल के आ रही है, ठीक है, फी रिसीप्ट निकल के आ रही है, हॉस्टल इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है, कुछ भी एनीथिंग, और यहां पर उसकी रिपोर्ट्स है। यहां पर आप रिपोर्ट भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कॉमन वर्ड है ये सब यूज कर लिए, डिस्प्ले रिपोर्ट शो भी लिख सकते हैं आप। आप यहां पे बॉक्स में शो शो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो यूनिवर्सिटी है उसका डेटाबेस होगा, ठीक है, स्टूडेंट का डेटाबेस होगा, टीचर्स का डेटाबेस होगा, स्टाफ का, एग्जाम का, प्रोजेक्ट का, बहुत सारा डेटाबेस होगा, तो यहां पर हम एक कॉमन लिख देंगे डेटाबेस, या आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं यहां पर। और डेटाबेस में जो भी आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से लिखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये जो डेटाबेस है ये किससे रिलेटेड है, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, इससे इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाएगी और इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाएगा। ये जो एरो आ रहा है डाउन एरो, हमेशा प्रोसेस टू डेटाबेस, प्रोसेस टू ओपन एंडेड बॉक्स, यानी कि डेटाबेस के बाद, तो यहां पर हम लिखेंगे अपडेट, ठीक है, और जो हमारे पास में डेटाबेस, डेटाबेस टू जो एरो सर्कल की तरफ जा रहा है वो हम लिखेंगे एक्सेस, ठीक है। इस फिगर को आप बना लीजिए, ये हमारी डीएफडी कौन सी है, ये हमारी किस लेवल की डीएफडी, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल, कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कह सकते हैं, या इसको हम जीरो लेवल डीएफडी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहां पर हम एक इनपुट बॉक्स और लगा सकते हैं, आप एक इनपुट बॉक्स और लगा लीजिए यहां पर, उस इनपुट बॉक्स में हम लिख देंगे, देखो ये जीरो लेवल डीएफडी में प्रोसेस एक होगा, इनपुट आउटपुट बॉक्स आप एन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बॉक्स यू कैन टेक, ठीक है। जैसे हमने यहां पे लिख दिया एक एरो, बस एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये भी समझिए, ये भी रूल है, ठीक है। यहां पर हमने इसमें लिख दिया स्टाफ, अब कोई भी वो स्टाफ हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टाफ हो सकता है, कोई वर्किंग स्टाफ हो सकता है, कोई बैकएंड स्टाफ हो सकता है, वो कोई भी स्टाफ हो सकता है। और यहां पर हमने लिख दिया रिक्वेस्ट, कोई डेटा नहीं समझ में आ रहा है आपको कि एडमिट कार्ड लिखें या मार्क्स लिखें या फीस का लिखें, क्या लिखें, तो आप रिक्वेस्ट लिख दीजिए उसमें, रिक्वेस्ट बस। और आउटपुट बॉक्स में, अगर आउटपुट बॉक्स आपके पास है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये एग्जामिनेशन का फंडा है, सॉफ्टवेयर बनाने में ये फंडा काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर बना, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में डीएफडी बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है। क्या तरीका है कि आपको नहीं पता, समझ में आ रहा है, याद नहीं आ रहा है कि सर ने बताया था कि आउटपुट वाले एरो पे हम क्या लिखें, समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिए इंफॉर्मेशन, बस काम खत्म। और इसके अंदर ये तो याद रहेगा ही आपको कि अंदर हमको क्या लिखना है, डिस्प्ले लिखना है या रिपोर्ट लिखना है या प्रिंट लिख देंगे, कुछ भी लिख दीजिए आप, डिस्प्ले आउटपुट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। अब इसी डीएफडी को हम एक्सपैंड करेंगे, जैसे ही हम डीएफडी को, जो जीरो लेवल डीएफडी हमने यूनिवर्सिटी की बनाई है, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो उसी को हम कहते हैं फर्स्ट लेवल डीएफडी, यानी कि लेवल 1।
जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपैंड होना। जैसे जब आप क्लास वन में जो पढ़ा होगा और क्लास टू में जो पढ़ा होगा, तो क्लास वन में जो सिलेबस पढ़ा होगा, क्लास टू में क्या हो गया? वही सिलेबस थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, थोड़ा सा फैल गया। क्लास थ्री में क्या हुआ? और फैल गया। जैसे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो पढ़ा, फिर सेकेंड सेमेस्टर में, तो फर्स्ट से सेकेंड वाला और एक्सपैंड हो गया, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर एक्सपैंड करता है, थर्ड ईयर और एक्सपैंड करता है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं, यानी कि जो डीएफडी के लेवल्स हैं, डीएफडी के लेवल्स क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ डीएफडी, जीरो लेवल आप सुनेंगे, वन लेवल सुनेंगे, टू लेवल सुनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीरो लेवल से हम जब एक्सपैंड करेंगे तो वो बनेगा वन लेवल, और वन लेवल को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो वो बनेगा टू लेवल, सेकेंड लेवल डीएफडी, और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो वो बनेगा थर्ड, उसको एक्सपैंड करेंगे तो वो बनेगा फोर्थ। किसी चीज की एक्सपैंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो अप टू एन लेवल्स होती है, आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। जैसे आप कितने लैंग्वेज में कितने एडवांस बन सकते हैं कि हम बस, आपने कहा हमें कोबोल आती है, हम सी तक सीखेंगे, ये पॉसिबल है? वो आपकी कैपेबिलिटी है। लेकिन एक पर्टिकुलर कैंडिडेट कह सकता है हम कोबोल जानते हैं, हम सी सीखेंगे, आगे हम और एक्सपैंड करेंगे तो सी प्लस प्लस सीखेंगे, और एक्सपैंड करेंगे तो पाइथन सीखेंगे, और एक्सपैंड करेंगे तो HTML5 सीखेंगे, और एक्सपैंड करेंगे तो ये। यानी कि आप बताइए एक्सपेंशन की कोई सीमा हुई? तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि आप कहें कि डीएफडी में तीन लेवल होते हैं, जीरो वन टू, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे जीरो हो सकता है, वन भी जा सकता है, टू भी जा सकता है, थ्री फोर, ये डिपेंड करता है कि डेटा फ्लो जो डायग्राम है वो कितना अच्छा ओवरव्यू दे रहा है सॉफ्टवेयर का। जितना अच्छा वो ओवरव्यू देगा उतना वहां तक हम रोक देंगे, जहां तक हमें डीएफडी, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर के लिए डीएफडी बना रहे हैं ना, तो लेवल्स क्या शो करते हैं? लेवल्स, लेवल्स क्या करते हैं? एक्सपैंड द प्रोसेस, ये प्रोसेस को क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं, ठीक है ना। और जो भी लेवल होता है हमारा, जैसे जीरो है, तो जीरो पे जो नंबर ऑफ प्रोसेस होगी वो कितनी होगी? ओनली वन, यानी कि नॉट लेस देन वन, नॉट ग्रेटर देन वन। और वन पे क्या होगा? प्रोसेस क्या होंगी? ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन का मतलब, ग्रेटर देन वन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा प्रोसेस होना जरूरी है, यानी कि दो प्रोसेस अगर आप दिखा रहे हैं तो वो वन लेवल है, टू थ्री प्रोसेस दिखा रहे हैं तो वो वन लेवल है, फोर प्रोसेस दिखा रहे हैं तो वन लेवल है। और सेकेंड लेवल में भी क्या लिखेंगे हम? ग्रेटर देन वन। यानी कि ये कंडीशंस हैं लेवल्स को डिफाइन करने का। अगर सिर्फ सिंगल प्रोसेस दिखाई पड़ रही है तो वो हमारी कौन से लेवल की है? जीरो लेवल की। और अगर एक से ज्यादा है तो वो वन लेवल है, और वन लेवल का ही जो एक्सपेंशन होगा वो टू लेवल है, और टू लेवल का जो एक्सपेंशन होगा वो थ्री लेवल होगा। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझिए लेवल्स का मतलब क्या है, कि कैसे ये डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग, ये हमने कहा ये पूरी बिल्डिंग है तो ये हमारी जीरो लेवल है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि इसका ये जो है, ये फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर हमने कहा भाई, फर्स्ट फ्लोर का ये प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, ठीक है। फिर हमने कहा कि फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट का ये प्लान है। अब देखिए ये जो है हमारा है जीरो लेवल, ये पूरी बिल्डिंग का ओवरव्यू दिखा रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू दिखा रहा है, यानी कि ये वन लेवल है, और ये फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट का टोटल व्यू दिखा रहा है, तो ये क्या है? टू लेवल। अब हम कहें कि ये फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट के कमरों का, यानी कि रूम्स का ओवरव्यू दिखा रहा है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड लेवल, जब हम रूम्स में पहुंच जाएंगे। अब समझ में आ गया लेवल को कैसे डिफाइन करते हैं? क्लियर है? चलिए अब उसी यूनिवर्सिटी वाले को हम लोग और एक्सपैंड करते हैं और इसको हम खत्म करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में जो भी है, जैसे मान लीजिए हम लोग एडमिट कार्ड जनरेशन का करते हैं, तो इनपुट दिखाएंगे। एडमिट कार्ड किसके लिए जनरेट होगा? स्टूडेंट के लिए। तो इनपुट हमारा कहाँ से आएगा? स्टूडेंट से आएगा।
स्टूडेंट किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ रिक्वेस्ट किस चीज के लिए हम कह रहे हैं करने के लिए, एडमिट कार्ड के लिए। तो प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेस क्या होगा, सर्चिंग होगी किस चीज की, डिटेल ऑफ एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड की डिटेल्स को एक्सेस कहां से होगा, एडमिट कार्ड की डिटेल यानी कि स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस होगा वहां से, ठीक है, वहां से एक्सेस कर लिया। ठीक है, हो सकता है कि स्टूडेंट का डेटा ना मिले और हमारा रिजल्ट क्या है, नॉट फाउंड, ये आ सकता है कि नहीं, ये आउटपुट आ गया हमारा। लेकिन अगर मिल जाता है तो एक और प्रोसेस होगी कि एडमिट कार्ड तब जनरेट होगा जब इसकी फी चेक कर लेंगे। ठीक है, जब फी चेक कर लेंगे तो होगा क्या, फी नॉट पेड, एक आउटपुट निकला कि फी आपकी पेड नहीं है, पहले फीस पेड करिए, और दूसरा आउटपुट निकल सकता है कि अच्छा फीस पेड है तो यहां पे क्या करो, प्रिंट एडमिट कार्ड। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये देखिए, यहां पर स्टूडेंट से हमने इनपुट लिया और स्टूडेंट से जो इनपुट लेंगे उसका एनरोलमेंट नंबर देंगे, वहां से उसके एडमिट कार्ड की डिटेल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसका एनरोलमेंट नंबर गलत है, इनवैलिड है, या जो भी हो रीजन, तो एक तो आ जाएगा कि नॉट फाउंड, हो सकता है कि नॉट फाउंड आ जाए। दूसरा कि अगर मान लीजिए फाउंड कर भी जाता है तो उसकी फीस डिटेल चेक करो, और अगर फीस पूरी नहीं है तो एक रिपोर्ट जनरेट करो कि भाई फीस आपकी पेड नहीं है, तभी एडमिट कार्ड जनरेट होगा। दूसरा, अगर फीस पेड है तो हमें क्या दे दे, एडमिट कार्ड जनरेट कर दे, प्रिंट कर दे, सिंपल। तो अच्छा, ये फीस चेक कहां से होगी, तो एक हमारे पास डेटाबेस और होगा, वो किस चीज का होगा, देखो डेटाबेस को बनाने का सबसे आसान तरीका है, जो भी आपका प्रोसेस है उसी को यहाँ डेटाबेस में लिख दो। जैसे यहाँ एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड यहाँ पे लिख दो, एडमिट कार्ड, या लिख दो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का डेटाबेस यहाँ पे, इसको हम इससे भी जोड़ सकते हैं, ये इस वाले डेटाबेस से भी, एक डेटाबेस से हम दो प्रोसेसेस को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, और हमारा ये बन गया डेटाबेस, तो हम इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किल बनाया, एक प्रोसेस ये, इसका डेटाबेस अलग और इसका डेटाबेस अलग, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और दोनों में डेटाबेस कॉमन भी कर सकते हैं, इसमें भी मान लीजिए D1 है, इसमें भी मान लीजिए D1 है, और ये हमारी प्रोसेस है, जगह नहीं है तो आप बना लीजिए, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा जो डेटा फ्लो डायग्राम है, ये डेटा फ्लो डायग्राम हमारा फर्स्ट लेवल हो गया। अब इसी में हम फी चेकिंग को और एक्सपैंड कर दें, अगर फी चेकिंग को और एक्सपैंड कर दें तो वो हमारा टू लेवल हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि भाई उसको हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो हमने कहा फी चेकिंग जो डिटेल है यानी कि इनपुट हमें मिला, अब यहां पर फी डिटेल है, तो फी डिटेल को अब हम और ओपन करेंगे, यानी कि फी डिटेल में और प्रोसेसेस हो सकती हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस और हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि फी डिटेल में हमने उसका देख लिया कि भाई चेकिंग कर लेते हैं प्रैक्टिकल फीस, ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं प्रोजेक्ट फीस, बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर कर लेते हैं कोर्स फीस, ठीक है, ये हो गया हमारा फीस। अब यहां से इनके आउटपुट्स निकलेंगे, फिर यहां पे हो सकता है कोई प्रोसेसेस हो, फिर हो सकता है इनके आउटपुट निकले, या प्रोसेस हो, या फाइनल आउटपुट आ जाए सबका। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये अब हम यहां पर हैं सेकेंड लेवल, यानी कि फर्स्ट लेवल के जो हमने फर्स्ट लेवल देखा था उसी का ये क्या है, फर्स्ट लेवल का डिटेल है, किस चीज का, फीस। फर्स्ट लेवल में दो प्रोसेस हो रही थी, एक एडमिट कार्ड प्रोसेस हो रहा था और एक सेकेंड लेवल में क्या हो रहा है, वो दूसरी प्रोसेस उसमें क्या थी, फीस चेकिंग। फीस चेकिंग को हमने एक्सपैंड कर दिया फी डिटेल में, प्रैक्टिकल फीस और प्रोजेक्ट फीस और कोर्स फीस और हॉस्टल फीस और स्टेशनरी फीस एंड अदर फीस, एग्जाम फीस वगैरह वगैरह, उसको उसकी प्रोसेसेस हमने दिखा दी यहाँ पर। तो ये हमारा जो है सेकेंड लेवल हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और भी समझिए इसमें, प्रोसेसेस को नंबर करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आप प्रोसेस को नंबर करने का मतलब क्या है,
जैसे मान लीजिए कि ये आपका सर्किल है, वन प्रोसेस है, ये आपकी टू प्रोसेस है, ये आपकी थ्री प्रोसेस, ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। और ये प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस, ये कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो एरो से तो ये समझ में आ जाएगा कि सी और डी किसकी प्रोसेस है, बी से निकली हुई प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम नंबर कैसे करते हैं, प्रोसेस को नंबर कैसे देते हैं, ठीक है, कैसे नंबर देंगे, इसको देंगे वन, इसको देंगे टू, इसको देंगे हम 2.1 और इसको देंगे हम 2.2। बात समझ में आई। अब इससे अगर कोई प्रोसेस होती है आगे फर्दर, जैसे मान लीजिए कि यहां पर प्रोसेस एक और है ए, और इस प्रोसेस को हम क्या नंबर देंगे, अब आप गेस कर सकते हैं। और ये प्रोसेस में ये इसका है। अब इस प्रोसेस को जो हम नंबर देंगे वो देंगे हम 2.1.1। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम ये इस तरह से हम प्रोसेसेस को नंबर्स देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हम लोगों ने सीखा कि जो डेटा डीएफडी के रूल्स, और हम डीएफडी कैसे बनाते हैं, मेकिंग, ठीक है, और डीएफडी के लेवल्स को कैसे बनाते हैं, और हम नंबरिंग कैसे करते हैं डीएफडी के, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट डीएफडी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे आपको बहुत सारे नंबर जा रहे हैं, उस पर आप